मंगलम, मंगल का अर्थ होता है मंगल कार्य करना, या किसी कार्य को करने से पहले अपन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं कि हमारा जो कार्य है वो शुभ हो, सब अच्छी तरह से संपन्न हो, सफल हो, इसलिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, मंगल करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो यथा दोष पृथ्वी न च विद्युतो न ऋषतः, यानी कि यथा दोष, यानी कि जब आकाश और पृथ्वी ना ही तो डरते हैं और ना ही किसी को दुख देते हैं। जैसे आकाश और पृथ्वी ना ही तो क्या करते हैं, डरते हैं और ना ही किसी को दुख देते हैं। विभूति को मतलब होता है भय या डर, भय या डर, और ऋषि का मतलब होता है दुख देना, दुखा। ठीक है ना दोस्तों। यानी कि हमारा जो पृथ्वी है और आकाश है वो ना ही किसी से डरते हैं और ना ही किसी को दुख देते हैं। एवा मे प्राणा मा विभे, और ऐसे ही मेरे प्राण तू, वैसे ही मेरे प्राण तू भी मत डर। ठीक है ना दोस्तों। इस का मतलब ये कह रहे हैं, यथाश्च या रात्रि चन विभूतो न ऋषतः, यानी कि जैसे सूर्य और चंद्रमा ना ही तो जैसे दिन और रात, यथाश्च रात्रि दिन और रात ना ही तो किसी से डरते हैं। विभूति का मतलब होता है भय होना या डरना, और ना ही किसी को दुख देते हैं। उसी प्रकार वैसे ही मेरे मन, मेरे प्राण तुम भी मतलब ना तो किसी को, किसी से डरो कि और ना ही किसी को दुख दो। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं अपन, इसमें सूर्य के बारे में और चंद्रमा के बारे में बताया गया है, यानी कि यथा सूर्यस्य चंद्रस्य न विभूतो न ऋषतः, यानी कि सूर्य और चंद्रमा ना ही तो किसी से डरते हैं और ना ही किसी को दुख देते हैं। सूर्य और चंद्रमा, सूर्यस्य का मतलब होता है सूर्य, वह चंद्र, चंद्रस्य का मतलब क्या होता है, चंद्रमा, चंद्रमा। ठीक है ना। ना ही तो विभूति का मतलब होता है दुख मतलब डर या भय, और ऋषतः का मतलब होता है मतलब दुख। ठीक है ना। तो सूर्य चंद्रमा ना ही तो किसी को मतलब दुख देते हैं और ना ही किसी से डरते हैं। वैसे ही मे प्राण मा विवे, यानी कि वैसे ही मेरे प्राण तुम भी किसी से मत डरो, यानी कि वैसे ही मेरे प्राण तू भी किसी से मत डर। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में यथा सत्य चांद्रम च न विद्युतो न ऋषतः, यानी कि यथा, यानी कि जैसे सत्य, यानी कि सत्यम का मतलब होता है सत्य, चांद्रह यानी कि और असत्य न तो विद्युतो यानी किसी से डरते हैं और ना ही किसी को दुख देते हैं। चांद्रह का सत्य और असत्य। ठीक है दोस्तों। सत्य व असत्य, असत्य ना तो किसी से क्या करते हैं, डरते हैं और ना ही किसी को दुख देते हैं। ठीक है ना। एवा मे प्राण मा विभे, यानी कि वैसे ही मेरे प्राण तुम भी किसी से मत डरो और ना ही किसी को दुख प्रदान करो। तो इसमें हमारे सूर्य चंद्रमा के बारे में और सत्य और असत्य के बारे में, और इसके बाद में पृथ्वी और जो है पृथ्वी और आकाश के बारे में, और दिन और रात्रि के बारे में हमारी इस मंगलाचरण में बताया गया है कि वो ना तो किसी को दुख देते हैं ना ही किसी से डरते हैं। इसलिए वैसे ही मेरे जो प्राण हैं उनसे मतलब कह रहा है कि तुम भी मत डरो और ना ही किसी को दुख प्रदान करो। ठीक है ना दोस्तों। आज का हमारे मंगलाचरण यहाँ पर संपन्न होता है। ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।